सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिटी सानिया। आई रियली होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, सभी लोग अपना और अपने परिवारजन का भी ख्याल रख रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सानिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रिटी सानिया पर। प्लीज़ जो बाहर से जो साउंड आ रहा है उसको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो दुर्गा जी का वास हुआ है यहाँ पर हमारे पास में ही, तो प्लीज़ आप इस साउंड को इग्नोर कीजिएगा और जो मैं बताना चाह रही हूँ प्लीज़ उस पर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ आपको करवा चौथ के बारे में, करवा चौथ पर हम किस तरीके की साड़ियाँ पहन सकते हैं, किस तरीके से हम सबसे अलग दिख सकते हैं, क्या आजकल फैशन ट्रेंड में कौन सी साड़ियाँ फैशन में इन है, उन सब के बारे में आज हम बात करें। चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको 5 तरीके की साड़ियों के बारे में बताऊंगी कि 5 तरीके की साड़ियां हैं जो हम करवा चौथ पर पहन सकते हैं और इन्हें पहन करके हम एक ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकते हैं और सबसे यूनिक लुक भी। आपके पास एक बनारसी साड़ी होनी चाहिए। जी हाँ, बनारसी साड़ी से हम बहुत ही एक ट्रेडिशनल लुक पा सकते हैं और एक एलिगेंट लुक और एक रिच लुक पा सकते हैं। तो करवा चौथ पर आप बनारसी साड़ी को पहन करके एक यूनिक लुक ला सकते हैं। सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप बनारसी साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं तो आप सिल्क की साड़ी पहन सकते हैं। जी हाँ, ये साड़ी कभी भी फैशन से आउट नहीं होती है, हमेशा स्टाइल में रहती है। करवा चौथ पर ही नहीं, आप इसे दिवाली पर भी पहन सकते हैं। जी हाँ, एक ट्रेडिशनल लुक पा सकते हैं। आप अच्छे से तैयार हुई है इसके लिए, किस तरीके का बन बनाना है, किस तरीके का जूड़ा बनाना है या क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी नेक्स्ट, इसको भी देखिएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं साड़ियों के बारे में कि साड़ियाँ किस तरीके की। थर्ड मैं बात करूँगी बांधनी साड़ी। जी हाँ, ये राजस्थान की पारंपरिक साड़ी है। अगर आप कुछ हटके स्टाइल अगर अपनाना चाहते हैं इस करवा चौथ पर तो आप बांधनी साड़ी को ट्राई कीजिए। नंबर 4 मैं बात करूँगी चंदेरी साड़ी। ये मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है और इसको भी पहन करके आप एकदम एलिगेंट लुक पा सकते हैं। नंबर 5 है पठानी सिल्क साड़ी। जी हाँ, पठानी साड़ी जो होती है वो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध होती है, तो आप उसको पहन करके एक ट्रेडिशनल लुक पा सकते हैं और एक यूनिक लुक भी पा सकते हैं। इस साड़ी में आपको कुछ इमेजेस दे दूंगी, इस साड़ी की ही नहीं बल्कि सभी साड़ियों की मैं कुछ इमेजेस आपको दे दूंगी। उससे क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि ये लुक हमें कैसा लगेगा या ये साड़ी हम पर। तो ये थी 5 तरीके की साड़ियाँ जिनके बारे में मैंने आपसे बात की कि इस करवा चौथ आप इन साड़ियों को पहन सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।